बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेल दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं इकराम। अमेज़ॉन ऑनलाइन आर्बिट्राज की आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब आप एक प्रोडक्ट को फाइनल कर लेते हैं तो उस आइटम को ऑर्डर करने से पहले कौन कौन सी उसकी चीज़ें हैं, डीपली एनालिसिस देखेंगे कि किस तरह आपने डीपली एनालिसिस करना है। तो मैं आप लोगों के लिए एक प्रोडक्ट्स लेकर आया हूँ, उसके ऊपर हम डीप एनालिसिस देखेंगे ताकि आप लोग उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें कि जब भी आप किसी आइटम का ऑर्डर करना चाह रहे हैं तो कौन कौन सी चीज़ें हैं वो जो आपने देखनी है ताकि आप किसी किस्म के भी लॉस से बच सकें। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट क्राइटेरिया है, लेकिन अभी हम चलते हैं अपने गूगल के ऊपर। और आज के लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा अगर आपने कम्युनिटी ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया फेसबुक के ऊपर तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लें, कॉमर्स लर्निंग बाय इकराम में। और यहाँ पर इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम काफ़ी अच्छी चीज़ें, इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई यहाँ पर दिया जाएगा। तो वेल, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो में सबसे पहले मैं amazon.co.uk के ऊपर आ जाता हूँ। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करके रखी है, उसकी रीजन्स ये होती है कि ताकि वीडियो को शॉर्ट से शॉर्ट बनाया जा सके और आप लोगों को प्रॉपर जो है रिज़ल्ट प्रोवाइड किए जा सके। तो इससे पहले हमारा जो क्राइटेरिया था, हमने ये यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है लास्ट वीडियो में हमने हमारा ये क्राइटेरिया था BSR, यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था FBA seller, नो वेरिएशंस, नो ब्रांड सेलिंग्स और ये तमाम चीज़ें, ठीक है जी। इसके अलावा मैंने आपसे कहा था कि आपने इस तरह की एक लिस्टिंग क्रिएट कर लेनी है। तो यहाँ पे ये मेरी एक लिस्टिंग है जो मैंने क्रिएट की हुई थी, लास्ट टाइम हमने क्रिएट की थी। तो यहाँ से मैंने प्रोडक्ट उठाई और यहाँ पर मैंने उसको सर्च करा है। अच्छा, जब आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे, कोई भी आपकी आइटम जो आप फाइनलाइज़ कर रहे हैं उसके अंदर मज़ीद आपने कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपने चेकआउट करनी है और देखनी है, ठीक है जी। यहाँ पर जब आप आएंगे, सबसे पहले आज हम प्रोडक्ट का डीप एनालिसिस देख रहे हैं इस वीडियो के अंदर। अगर तो आप अच्छी सेलिंग करना चाह रहे हैं, किसी किस्म के लॉस से बचना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इसको नहीं देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि इस प्रोडक्ट के स्टैट्स क्या हैं और वो किस तरह देखने पड़ते हैं। तो यहाँ पर अगर आप आएंगे तो यहाँ पे टाइटल जिसका आ रहा था, यहाँ पे BSR ये एक्सटेंशन की हुई है उसकी वजह से शो हो रहा है। यहाँ पे ब्रांड सेंसो ब्रांड है, ठीक है जी। यहाँ पे इसकी रेटिंग वगैरह ये तमाम चीज़ें शो हो रही होती हैं। यहाँ पे इसको हम बाय बॉक्स बोलते हैं। बाय बॉक्स मीन्स ये होता है कि काफ़ी सारे सेलर्स आइटम को सेल कर रहे होते हैं, तो एक स्पेसिफिक टाइम में जब ऑर्डर आता है तो जिस बंदे के पास वो बाय बॉक्स होगा उस टाइम पीरियड में, तो ऑर्डर उस बंदे के पास जाएगा। 10 बंदे सेल कर रहे हैं तो जिस टाइम ऑर्डर आया है उस टाइम में जिसके पास ये बाय बॉक्स होगा, तो अभी ये जो बाय बॉक्स है वो G&D रिटेलर्स लिमिटेड के पास है, यहाँ से आप देख सकते हैं, तो इसके पास ऑर्डर जाएगा। ये बाय बॉक्स वगैरह होता है। अगर आप थोड़ा सा नीचे की तरफ आएँ तो जो आज इंपॉर्टेंट जो डिस्कशन होगी वो है कि कीपा ग्राफ आपने देखना है, वहाँ पर स्टैट्स कुछ आपने चेकआउट करने हैं। यहाँ पे मज़ीद इसके ऊपर मैं 2 से 3 वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा ताकि आप लोगों को प्रॉपर उस चीज़ को अंडरस्टैंड करवाया जा सके। अच्छा, यहाँ पर अगर आप आएँ तो यहाँ पे आपने कीपा ग्राफ को ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट है वो देखना, ठीक है जी। यहाँ पे आपकी प्राइस वगैरह आ रही होती है, यहाँ पे नीचे कीपा ग्राफ को आज हमने एनालिसिस करना है। अगर हम इस तरफ देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये प्राइस शो हो रही है पाउंड्स के अंदर, जो 8, 9, 10, 11, 12 पाउंड से। अगर इस तरफ हम आएँ तो यहाँ पर हमारे पास BSR ऊपर से नीचे की तरफ शो हो रहा है, ठीक है जी। ये 15,000 BSR, 10,000 BSR, 5,000 BSR वगैरह है। तो यहाँ पर ये जो लाइन्स है ये BSR को शो कर रही है। यहाँ पर अगर आप इस तरफ देखें तो सेल्स रैंक बाय बॉक्स है। यहाँ पे आप जो जो चीज़ को ओपन ऑफ करके देखना चाहें तो आप यहाँ से ऑन ऑफ करके देख सकते हैं, यहाँ पे स्टैट्स वगैरह गायब हो जाएंगे। अगर आप सेल्स रैंक देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये जो ऊपर नीचे हो रहा है ये सेल्स रैंक है कि लास्ट 30 डेज 3 मंथ के अंदर आपके पास BSR क्या रहा है। यहाँ से आप ये टाइम पीरियड भी चेंज कर सकते हैं, 1 ईयर के ऊपर आप आ सकते हैं, उसके बाद जब से ये प्रोडक्ट लॉन्च हुई है उसके ऊपर BSR क्या रहा है वो आप देख सकते हैं। इसका आइडिया इसलिए लिया जाता है ताकि आपको पता हो कि ये प्रोडक्ट जो पास्ट मंथ गुजरे हैं उनमें कब इसका BSR लो रहा है और कब हाई रहा है, ताकि आप उस चीज़ को इजीली अंडरस्टैंड कर सकें कि ये प्रोडक्ट आया जो है सीजनल तो नहीं है। इसलिए BSR देखना ज़रूरी होता है, यहाँ से आप इस चीज़ को चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे बाय बॉक्स है, बाय बॉक्स को आप ऑन ऑफ करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वो लाइन जो है ख़त्म होगी। अगर आप इसको दोबारा से ऑन करेंगे तो यहाँ पे वो लाइन शो हो जाएगी जो आपको बता रहा है कि बाय बॉक्स किसके पास था, उस टाइम उसकी प्राइस क्या थी। यहाँ पे अगर आप देखें तो बाय बॉक्स जो प्राइस शो कर रहा है 9.84 जो है पाउंड शो कर रहा है, और ये इस तरह यहाँ पे शो हो रही है तमाम चीज़ें। यहाँ पे बाकी ये थर्ड पार्टी FBA है, थर्ड पार्टी FBA में लिस्ट प्राइस क्या रही है ये आप चेकआउट कर सकते हैं। तो जब आप इसको ऑन ऑफ करेंगे तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पर आ रही होती हैं, तो ये वन बाय वन आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, और अगर आप ये नीचे की तरफ आएँ तो यहाँ पे ये आपको बता रहा होता है कि सेल्स रैंक क्या है, उसके साथ साथ आपको ये बता रहा होता है
कि न्यू एफ बी ओवर काउंट कितनी रही है, मतलब इसके अंदर कितने बंदे सेल्स करते रहे हैं टाइम पीरियड के साथ साथ। यहाँ पे देखेंगे आप न्यू ऑफर काउंट जो है यहाँ पे नीचे की तरफ, ये जो है जहाँ पे मेरा माउस सर्कल है, तो ये देखेंगे 7 है, फिर जो है यहाँ पे 6 हुआ था, फिर ये अभी 8 है, 9 है, तो ये इस तरह वक्त के साथ साथ इंक्रीज़ होता रहा है, अभी ये 11 पे चल रहा है। ठीक है जी, तो ये वो है जो इसके अंदर सेलिंग कर रहे थे लोग। यहाँ पे उसके अलावा रेटिंग्स आ रही हैं, रिव्यूज़ आ रहे हैं, ये तमाम चीज़ें वन बाय वन देखने वाली हैं, ये आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो कीपा ग्राफ है, कीपा ग्राफ को आपने कंपलसरी होता है जब आप देख रहे होते हैं कि यहाँ पे अभी आप ये देखेंगे कि जो यहाँ पे ये बाय बॉक्स रोटेशन है वो ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है। कोशिश आपने ये करनी है कि आपने उस प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है जिसकी प्राइस जो है स्टेबल रही हो, जिसके अंदर प्राइस वार ना हो रही हो। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह आपने उस चीज़ को प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट, अगर आप इस तरफ आएंगे, इस पेज के ऊपर आएंगे, तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ट्रैक प्रोडक्ट है, डाटा है और सेटिंग्स हैं। अगर तो आप ट्रैक प्रोडक्ट के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपने देखनी है, और इसके अलावा अगर आप डाटा में आएंगे तो डाटा में आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो कि जो अभी हम यहाँ पे उसको डीपली एनालिसिस करेंगे, देखेंगे। ट्रैक प्रोडक्ट को फिलहाल आपने छोड़ देना है, इससे पहले आपने डाटा के ऊपर जाना है। डाटा के ऊपर आने के बाद यहाँ पे थोड़े से रिजल्ट शो हो रहे हैं, तो डाटा के ऊपर जब आप आएंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल्स है, प्रोडक्ट डिटेल्स में आपके पास यहाँ पे तमाम चीज़ें शो हो, यहाँ पे आपके पास इमेज आ रही है, टाइटल आ रहा है, और लास्ट प्राइस चेंज कब हुई थी वो यहाँ पे शो कर रहा है कि 1 मिनट पहले चेंज हुई थी। बाय बॉक्स सेलर किसके पास बाय बॉक्स का बाय बॉक्स है, यहाँ पे देखिए मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले भी कि GND के पास, रिटेलर्स लिमिटेड के पास बाय बॉक्स है। यहाँ पे तमाम ब्रांड्स कैटेगरी ASIN ब्रांड और सब चीज़ें यहाँ पे शो हो रही हैं, ये आपने देख लेनी है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे सेल्स रैंक आ रहा होता है, करंट आ रहा होता है, 30 डेज़ का आ रहा होता है, इसके अलावा 60 डेज़ और 90 डेज़, 180 डेज़ का आ रहा होता है, एवरेज BSR यहाँ पे शो कर रहा होता है, इसके अलावा ड्रॉप ऑफ कितना हुआ है 30 डेज़ के अंदर, 90 डेज़ के अंदर और 180 डेज़ के अंदर। ड्रॉप का मतलब ये है कि कम कितना हुआ है, गिरा कितना है BSR, और जो है एवरेज BSR क्या रहा है। इसके अलावा करंट बाय बॉक्स किसके पास है, प्राइस क्या चल रही है, न्यू करंट ऑफर्स क्या हैं, ये तमाम चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं वन बाय वन, ये तमाम चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। इसके अलावा अगर आप ऑफर्स के अंदर आ जाते हैं तो ऑफर्स में भी कुछ चीज़ें हैं, फिलहाल के लिए आपको इसने छोड़ देना है, यहाँ से आपने आ जाना है बाय बॉक्स स्टैटिक्स के अंदर आ जाना है जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, क्योंकि चीज़ें काफ़ी, अगर आप वन बाय वन डीपली चले जाएंगे तो फिर आप चीज़ों को थोड़ा सा जो है मिक्सअप कर देंगे, इसलिए यहाँ पे आपने जो देखना है प्राइस हिस्ट्री में देखना है, सेकंड आपने डाटा पे जाना है, डाटा में प्रोडक्ट डिटेल्स पेज के ऊपर आना है, वहाँ पे जो चीज़ें वो देखनी है, उसके अलावा बाय बॉक्स स्टैटिक्स के अंदर आपने आना है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने देखनी है। अच्छा, यहाँ पे आपने क्या देखना है, यहाँ पे इस तरफ आपके पास परसेंटेज आ रही है कि कितने परसेंट बाय बॉक्स किसके पास रहा है, यहाँ पे एवरेज प्राइस है, यहाँ पे जो भी उसकी न्यू ऑफर काउंट आ रही है, यहाँ पे स्टॉक आ रहा है, यहाँ पे नेम है, यहाँ पे FBA या FBA में रेटिंग्स हैं और रिव्यू काउंट है, और यहाँ पे लास्ट वून अगो के बाय बॉक्स कितनी देर पहले किस बंदे के पास रहा है, यहाँ से आपको पता चलेगा। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट टैब है, इसके ऊपर अगर आपको मज़ीद वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और हम जो है इसके ऊपर मज़ीद वीडियो बना दूंगा। अच्छा, यहाँ पे आपने देखना ये है कि जो बाय बॉक्स है ना वो किसी एक बंदे के पास नहीं होना चाहिए, ऐसा ना हो कि एक बंदे के पास यहाँ पे 99% शो हो रहा हो, बाकी जो 3-4 FBA सेलर्स हैं उनके पास, एक के पास 1% और बाकियों के पास ना हो। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि एक बंदे के पास जो बाय बॉक्स है 48% है, इट्स गुड, और दूसरे के बाद 20% है, ये भी ठीक है, यहाँ पे 14% है इस बंदे के पास, और इसके पास जो है ये आउट ऑफ स्टॉक है बंदा, तो इसके पास 10% था, ये भी आउट ऑफ स्टॉक है, इसके पास 6% था, ठीक है, ये FBM है, इसके पास 2% है, और ये भी जो है इसके पास 1% है। इसका मतलब ये होता है कि बाय बॉक्स की रोटेशन जो है वो काफ़ी अच्छी है, बाय बॉक्स तमाम बंदों के पास जा रहा है कि जब ऑर्डर आते हैं तो हर बंदे को उसमें से कुछ ना कुछ ऑर्डर मिल रहे हैं। अगर यहाँ पे सिर्फ शो कर रहा हो कि 99% एक बंदे का पास शो कर रहा हो, या यहाँ पे FBA यहाँ पे Amazon शो कर रहा हो, Amazon भी आ रहा हो और उसके पास 90% या 99% आ रहा हो, तो इसका मतलब यह है कि आपको सेल्स नहीं मिलेंगी या बहुत कम सेल्स मिलेंगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है कोई भी प्रोडक्ट सिलेक्ट करने से पहले। अगर आप तो कोई भी प्रोडक्ट सिलेक्ट कर रहे हैं, आपने कोई प्रोडक्ट फाइनलाइज़ कर लिया है, तो ये इंपॉर्टेंट टैब है, इसको आपने ज़रूर देखना है ताकि आप इस चीज़ को इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। इसके अलावा बाय बॉक्स स्टैटिक्स के ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, आज के इस वीडियो में हम सिर्फ इसी चीज़ को देख रहे थे। ये मैंने आप लोगों को समझा दिया कि ये काफ़ी एक अच्छा टैब है, इसको आपने बहुत इंपॉर्टेंट और डीपली इस चीज़ को एनालिसिस करना है कि यहाँ पर ये तमाम चीज़ें जो है रोटेशन आ रही हो, और बाय बॉक्स स्टॉक से आप यहाँ से भी देख सकते हैं। इसके अलावा प्रोडक्ट डिटेल्स पेज की हमने बात की कि यहाँ पे तमाम चीज़ें आ रही होती हैं, कि यहाँ पे आपको आइडिया हो जाता है
के करंट BSR जो है वो कितना चल रहा है। यहाँ पे ये जो करंट BSR है ये 7656 चल रहा है। यहाँ पे 30 डेज का क्या चल रहा था, एवरेज जो है वो अच्छा है, 10,000 से नीचे है। हमारा जो टारगेट था वो 15,000 था। इसके अलावा 60 डेज का भी 8,000 है, 90 डेज का भी आप देख सकते हैं कि 8,000 है, ठीक है। तो यानी कि ये अच्छी प्रोडक्ट है और ये आप चेकआउट भी कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी यहाँ पे आपने, यहाँ पर अगर आप इस तरफ आएँ तो यहाँ पे आपके पास न्यू ऑफर काउंट शो हो रही होती है। मैंने जो लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था, इसके थ्रू हमने प्रोडक्ट हंटिंग भी देखी थी। अभी देखें, मैंने आपको बताया था कि बाय बॉक्स जो है G&D रिटेलर्स लिमिटेड के पास है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि G&D रिटेलर्स के पास है। इसके अलावा अगर आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे एक सेकंड स्टोर है जो कि स्टॉर्म ब्रू के नाम से है, ठीक है। ये इसकी भी प्राइस 99% है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, देख सकते हैं आप। 243 की रेटिंग्स है, यानी कि इतना बड़ा स्टोर नहीं है, ठीक है, कर सकते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा स्टोर है तो इसमें हम जा सकते हैं अगर इसकी हमें कम्पिटेटिव प्राइस मिलती है कहीं से। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो BSR के ऊपर या जो है डीप कीपर ग्राफ के ऊपर, तो उसको मज़ीद हम एक से दो वीडियो में क्रिएट करूँगा आप लोगों के लिए, ताकि आप इस चीज़ को मज़ीद डीपली एनालिसिस कर सकें। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में हम ये फाइंड आउट करेंगे कि किस तरह आपने इस प्रोडक्ट को फाइंड करना है, कहाँ से फाइंड करना है, और इसकी जो है प्रोडक्ट मार्जिन आपने वो कैसा निकालने हैं। तो आई होप सो कि आज की इस वीडियो के बाद आप जो प्रोडक्ट का डीप एनालिसिस करने में थोड़ा सा मज़ीद आपकी जो स्किल्स हैं वो पॉलिश हुई होंगी, और आप इस चीज़ के ऊपर ज़रूर वर्किंग करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आपके साथ इसी तरह की एक मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर इंशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके लिए आने वाली है। दोबारा नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।